नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 का सवाल है. क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. ध्यान रखना हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे. फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पहला है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम. ये बात ट्रू है, ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है. बिकॉज आपकी वेव अगर ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर ऐसे होती हैं आपकी, तो जिस टाइम पे ये मैक्सिमम अचीव किया है इलेक्ट्रिक फील्ड, वही आपका मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी मैक्सिमम अचीव करता है, एंड सेन एंड सोन एंड सो फोर्थ. सेकेंड स्टेटमेंट है एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये स्टेटमेंट भी सही है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. नाउ ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज ये आपकी प्रोपोगेशन की अगर वेव वाला प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, पैरेलल नहीं. तो ऑप्शन नंबर सी गलत स्टेटमेंट है. एक बार डीबी चेक कर लेते हैं. ऑप्शन नंबर डी कहता है दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. ये बात आपकी ट्रू है. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट चॉइस.